हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और आपके बर्ड्स भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और चहचहा रहे होंगे अपने केज में और अच्छी अच्छी ब्रीड भी कर रहे होंगे। आ गए हैं नए और फ्रेश टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है बजी तोतों से अंडे और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कैसे लिए जाएं। दोस्तों, बजी तोते पालने का शौक इसीलिए होता है क्योंकि ये अच्छी ब्रीड कर पाते हैं और अपने चिक्स को भी बहुत अच्छी तरह से पाल पाते हैं। अब कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये भी होती है कि उनके पास अच्छी तादाद में अंडे और बच्चे नहीं आते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आपके केज में मटकी जो रखी है वो एग से भर जाएगी और सारे एग फर्टाइल भी होंगे और उनसे चिक्स भी भरपूर निकलेंगे। जिस तरह सामने देख पा रहे हैं आप, मेरी मटकी में भरे हुए हैं, इसमें 7-8 चिक्स हैं। इसी तरीके से आपके साथ भी होने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। अगर मेरे बताए हुए टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके यहाँ भी मटकी में चिक्स ही चिक्स आएंगे और ऐसे ही मधुर सी, खूबसूरत सी, प्यारी सी, कानों में रस घोलने वाली आवाज़ आपको भी मिलती रहेगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बजीज बर्ड से रिलेटेड मैं अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेकर आता रहता हूं। और उससे पहले बात कर लेते हैं हम अपने केज की। दोस्तों, जब हम बजीज पैरेट लेकर आते हैं तो हमारा इंटेंशन सबसे पहले ये होता है कि वो अच्छी तरह से ब्रीड करें और खूब सारे चिक्स दें। लेकिन कुछ मेरे व्यूअर्स हैं, कुछ मेरे भाई हैं, वो उनकी शिकायत है कि बर्ड्स जो है, उनकी बर्ड्स जो है वो ब्रीड भी कर रहे हैं लेकिन उनके पास अच्छे एग नहीं आ रहे। एक या दो एग आता है, उसके बाद एग आने बंद हो जाते हैं और उसमें से भी बच्चा एक आधी निकलता है और एक आधा एग अनफर्टाइल हो जाता है। तो मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। मैं आपको बताने वाला हूँ क्या इन चीज़ें करनी चाहिए। तो सबसे पहले कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ बदलाव कर लेंगे तो आपके बर्ड्स भी अच्छी ब्रीड करना शुरू कर देंगे। बजीज बर्ड्स की अच्छी ब्रीड लेने के लिए बजीज को अच्छा माहौल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले जो नंबर पर आता है वो होता है केज। डिपेंड करता है कि आप कितने बर्ड्स पाल रहे हैं। एक पेयर है, दो पेयर है, पांच पेयर है, दस पेयर है, तो उसी हिसाब से केज बहुत अच्छा होना चाहिए अगर ब्रीड लेना चाहते हैं। अगर ब्रीड नहीं लेना चाहते हैं तो नॉर्मल केज में भी रख सकते हैं, लेकिन ब्रीड लेना चाहते हैं तो केज का साइज़ थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, जिसकी वजह से बर्ड्स जो है अच्छी तरह से फ्लाई कर सकें। क्योंकि बर्ड्स को ये लगता है छोटे से केज में हम रहते हैं, अगर ज़्यादा बच्चे निकालेंगे तो वो भी इसी केज में आएंगे और हमारा केज जो है वो तो छोटा हो जाएगा, तो हमें उड़ने की बड़ी परेशानी होगी। तो इस वजह से भी हमारे जो बजीज बर्ड्स हैं वो अच्छी ब्रीड नहीं करते हैं। ब्रीड करते हैं लेकिन अच्छी ब्रीड नहीं करते हैं, भाई एक दो बच्चे निकलते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा केज का साइज़। जितना अच्छा रखेंगे ब्रीड भी हमें उतनी अच्छी मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरे नंबर पर है मटकी की पोजीशन। मटकी की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। मटकी इस तरह से होनी चाहिए कि वो ज़्यादा हिले डोले नहीं। जब बर्ड्स अंदर जाता है तो मटकियाँ हिलती हैं, एग्स पर बैठती हैं तो मटकी हिलती है। अक्सर ऐसा होता है कि मादा मटकी में बैठी होती है तो नर मटकी पर ऊपर जाकर उछल कर बैठ जाता है, फिर उतर आता है, फिर बैठ जाता है, जिससे मटकी हिलती है और मादा डिस्टर्ब होने लगती है तो वो बाहर निकल आती है। तो अच्छी तरह से मटकी को फिक्स करें। दूसरी चीज़ होती है मटकी की पोजीशन। बजीज बर्ड एक ऐसा बर्ड होता है जिसमें कुछ मादाएँ बड़ी नखरीली होती हैं, उनको मटकी पसंद नहीं आती है, मटकी का डिज़ाइन पसंद नहीं आता, मटकी छोटी होती है वो भी पसंद नहीं आती। तो मटकी का साइज़ भी सही रखें और पोजीशन भी सही रखें। अगर आपके यहाँ मटकी की एक पोजीशन है और वहाँ पर अच्छी ब्रीड नहीं मिल रही है तो आप उसको बदल कर भी देख सकते हैं, दूसरी साइड में दूसरे कोने पर लगा दें। तीसरी चीज़ होती है डिस्टर्बेंस, प्राइवेसी। अगर बर्ड्स को, हमारे बजीज बर्ड्स को प्राइवेसी सही नहीं मिल रही है तो ये अच्छी ब्रीड नहीं करते हैं। तो प्राइवेसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो बजीज बर्ड्स की अच्छी ब्रीड लेनी है अगर मटकी में चाहते हैं कि अच्छे एग्स आएँ, ज़्यादा एग्स आएँ और ज़्यादा अंडे बच्चे निकलें, तो उनको प्राइवेसी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसी जगह पर अपने केज को रखें जहाँ पर लोगों का आना जाना, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो। अब कुछ मेरे भाई ऐसे भी होंगे जिनके पास घर छोटा है, इस तरह का है कि बजीज बर्ड्स भी पालना चाहते हैं लेकिन ऐसी जगह रखा हुआ है जहाँ से लोगों का आना जाना है, तो उसके लिए भी मैं एक सॉल्यूशन बता देता हूँ। अगर आप उस सॉल्यूशन को, उस मेरी टिप को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बजीज को उस जगह पर जहाँ पर लोगों का आना जाना भी है प्राइवेसी मिलती रहेगी। मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला काम ये करिए कि जो आपका केज है वो ऊपर से पहले पन्नी रखिए। ये ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पर ये पूरी पन्नी से ढक दीजिए और उसके बाद किसी कपड़े से ढक दीजिए। आगे भी एक पन्नी लगा दीजिए, आगे वाली साइड पहले पन्नी लगाइए उसके बाद कपड़े से ढकिए। मैं फिर से याद दिला दूँ, पन्नी ज़रूर लगाइए क्योंकि कपड़े में धागे होते हैं, जैसे ये हैं निकले हुए, जैसे देख सकते हैं धागे निकले हुए हैं। ये बर्ड्स जो हैं
खींच लेते हैं नीचे अपने और उसमें उलझ जाते हैं उनके पर और बर्ड्स ख़राब हो जाते हैं। कभी कभी उनकी गंदे गले में फंदा लग जाता है और मर भी जाते हैं। तो पॉलिथीन ज़रूर लगाएं। तो इस तरह से तीन साइड ढक दें, ऊपर की साइड ढक दें, सामने की साइड ढक दें और साइड एक साइड भी ढक दें। एक साइड खुली रहने दें हवा आने के लिए और रोशनी आने के लिए। अगर उनको आप ऐसा करते हैं तो उनको अच्छी प्राइवेसी मिलने लगेगी, डिस्टर्बेंस कम होगा, जिसकी वजह से वो ब्रीड अच्छी कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि स्टिक जो होती है हमारी, जो बर्ड्स मेटिंग कर रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हिल रही होती है और हिलते हिलते मेटिंग सही तरीके से नहीं हो पाती है और मादा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगती है। फिर वो मेटिंग का मूड चेंज कर देती है और मेटिंग करती ही नहीं है। इसी वजह से भी एक या दो एग ही आ पाते हैं और ज़्यादा एग नहीं आते हैं और फिर मादा उसी पर बैठने लग जाती है और चिक्स भी उतने ही निकलते हैं। तो केज में जो भी स्टिक लगी है वो अच्छी तरह से मजबूती से लगी होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं इनके खाने पीने की। तो इनके खाने पीने का बहुत अच्छा ख्याल रखा जाता है। सीड मिक्स अच्छा प्रॉपर सीड मिक्स दिया जाता है। सिर्फ कंपनी पर अगर आप पाल रहे हैं तो अच्छी ब्रीड हासिल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सिर्फ कंपनी पर ना रखें, सीड मिक्स का यूज़ इस्तेमाल करें। सीड मिक्स क्या क्या होता है, किस तरह से क्या 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 उन चीज़ें होती हैं, वर्ड्स को सीड मिक्स किस तरह से का दिया जाता है, इस पर अगर आप चाहते हैं तो मैं अगला वीडियो उस पर बना दूंगा और वो भी आपके सामने ले आऊँगा। और साथ ही अब दूसरी चीज़ आती है सॉफ्ट फूड। सॉफ्ट फूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सॉफ्ट फूड अगर आप नहीं देते हैं बर्ड्स को तो भी ब्रीड अच्छी नहीं आती है। तो सॉफ्ट फूड प्रॉपर देना चाहिए, डेली देना चाहिए। अभी भी ये देखिए सॉफ्ट फूड ही खा रहे हैं और दाना बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर थोड़ा सा ही दाना रखा हुआ है। दाना ख़त्म हो गया था, रात को मैंने दिया नहीं, ताकि मुझे सॉफ्ट फूड देना था और मैं चाहता हूँ सॉफ्ट फूड जल्दी से ख़त्म हो जाया करे। सॉफ्ट फूड ज़रूरी होता है। तो सॉफ्ट फूड में कई सारी चीज़ें आती हैं। गेहूँ दे सकते हैं आप भिगोकर, काला चना दे सकते हैं, इस पर भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं दोनों पर। घर में जो दालें होती हैं वो थोड़ी थोड़ी भिगोकर दे सकते हैं, मूंग की दाल दे सकते हैं, स्प्राउट्स बनाकर दे सकते हैं, धनिया दे सकते हैं, पालक दे सकते हैं, ग्रीन फूड दे सकते हैं, एग फूड दे सकते हैं, अंडा वगैरह, अंडा ब्रेड स्लाइस जो होते हैं वो मिलाकर दे सकते हैं। तो इस तरह के सॉफ्ट फूड हम देते रहते हैं जिससे हमारे बर्ड्स की जो कमियां होती हैं वो भी पूरी हो जाती हैं और इन सॉफ्ट फूड खाने की वजह से भी बर्ड्स जो है अच्छी ब्रीड कर लेते हैं। क्योंकि सिर्फ दाने पर होते हैं तो बर्ड्स ये सोचते हैं कि अगर दाना उन सिर्फ दाना है तो हम ज़्यादा बर्ड ज़्यादा चिक्स नहीं पाल पाएंगे, एक या दो ही चिक्स पाल पाएंगे, क्योंकि दाना छीलने में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, दाने से बच्चे को पालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जबकि सॉफ्ट फूड में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। सॉफ्ट फूड बच्चे भी आराम से खा लेते हैं और सर्वाइव कर जाते हैं। तो सॉफ्ट फूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, सॉफ्ट फूड देना चाहिए अगर अच्छी ब्रीड लाना चाहते हैं तो। अगली चीज़ आती है कि केज में रेगुलर बेसिस पर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ, रेगुलर बेस पर कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, ये कैल्शियम ब्लॉक हैं, नीचे भी पड़े हुए हैं। कैल्शियम ब्लॉक केज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे जो बर्ड्स जब मेटिंग करते हैं, एग्स ले करते हैं, तो उनको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो कैल्शियम प्रॉपर केज में होना चाहिए, काला नमक होना चाहिए ताकि उनका पेट सही रहे। जब वो मादा, ख़ास तौर से जब मादा एग पर बैठती है, रेगुलर बैठी रहती है, वो एक्टिविटी नहीं करती है, तो उसका पेट जो है ख़राब होने का अंदेशा हो जाता है, जिसकी वजह से उसको काले नमक की ज़रूरत होती है। तो केज में काला नमक ज़रूर होना चाहिए। देख सकते हैं सामने मिट्टी और ईंट पड़ी हुई है, ये मिट्टी और ईंट भी होना चाहिए, इससे वो अपनी चोंच को साफ़ कर सकें। जब मादा चिक्स को दाना खिलाती है तो उसकी चोंच को थोड़ी दिक्कत होने लगती है, तो वो चाहती है कि अपनी चोंच इससे घिसे, और कभी कभी मिट्टी भी खाना पसंद करती है ताकि उसके पेट सही रहे। साथ ही फिश कैटल बोन भी होना चाहिए केज के अंदर, ताकि उससे भी कैल्शियम मिल सके। कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अलग अलग सोर्स से हमें देना होता है। दूसरी चीज़ है ये अगली मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी भी केज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, मुल्तानी मिट्टी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जो केज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं, होना चाहिए, जिसकी वजह से भी हमारे बर्ड्स जो हैं जब ये सारी चीज़ें उनको प्रॉपर मिलती हैं तो अच्छी ब्रीड कर पाते हैं। अगली बात करते हैं कुछ मेडिसिन की। तो मैं दो तरह की मेडिसिन देता हूँ इनको। एक ऑस्टोबर्ट देता हूँ, वो जो कैल्शियम के लिए है, और दूसरा विमरल देता हूँ जो इनके विटामिन्स के लिए। अगर कैल्शियम और विटामिन्स इनको प्रॉपर मिलते रहते हैं तो ये अच्छी ब्रीड कर पाते हैं। अगर अच्छी ब्रीड चाहते हैं तो कैल्शियम और विटामिन के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ये दोनों चीज़ें ज़रूर देना चाहिए। अगर ये सारे काम कर लेते हैं, ये बदलाव कर लेते हैं आप अपने बर्ड्स के केज में, केज के आसपास, और प्रॉपर फूड दे पाते हैं और ज़रूरी चीज़ें केज में रख पाते हैं,
तो यकीन मानिए आपके यहाँ भी ऐसी अच्छी अच्छी ब्रीड है, ब्रीड आनी शुरू हो जाएगी, अंडे बच्चे आने शुरू हो जाएंगे आपके मटकी में, जो है वो पूरी मटकी भरनी शुरू हो जाएगी और बर्ड्स की तादाद बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होनी शुरू हो जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, कैसा लगा है बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अगर कोई बर्ड्स पाल रहा है तो मेरे वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।